Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे एग्जीबिशन से जिसके मदद से आप अपने घर को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। हर एक का सपना होता है कि वो अपने घर को अच्छी तरह से सजाए और उसके लिए अक्सर देख परख कर चीजें लेते हैं, मगर ये सब इतने आसानी से नहीं हो पाता क्योंकि हर एक चीज को देखने जाए तो काफी वक्त और एनर्जी वेस्ट होती है। घर को खूबसूरत बनाने की ये सारी चीजें अगर एक छत के नीचे मिल जाए तो बात ही कुछ और है। इन सारी चीजों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की एस्टेक ने। एस्टेक ने आयोजन किया एक ऐसे एग्जीबिशन का जिसके जरिए हमें मिल सके हमारे सपनों के घर के लिए हर एक सोल्यूशन। 2006-2007 में ये लॉन्च किया गया था। सोच ये थी कि जब भी हम विदेश जाते थे, हम देखते थे कि क्या प्रोडक्ट्स वहां पे, क्या वैरायटी, क्या डेवलपमेंट, क्या इनोवेशन देखने को मिलती है हर एक सेगमेंट में। अगर आप लाइटिंग देखें या फ्लोरिंग देखें, आप वुडवर्क की बात करें, आपको वहां इतनी ऑप्शंस मिलती हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज हो सकते हैं, या उन ऑप्शंस मिलती हैं जो हमारे देश में नहीं, उस तरीके की कोई प्रदर्शनी इतने लेवल पे कोई भी नहीं थी। जब वहां से हम जाके सीखते हैं, देखते हैं कि जर्मनी, मिलान, चाइना, इटली, वहां से आने के बाद हमने कहा एक भारत में इस प्रदर्शनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो यहाँ के डेवलपर्स को, यहाँ के रियल्टर्स को, यहाँ के कंज्यूमर्स को जो घर बनाते हैं उनको ये सब मिलना चाहिए, कंपैरिजन मिलना चाहिए, प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, जिससे वो एक स्टेट ऑफ आर्ट, लेटेस्ट, बढ़िया और शानदार घर या कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बना सके। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज गोइंग टू बूम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, उसी विजन से वी लॉन्च एस्टेक। एस्टेक एग्जीबिशन का आयोजन सबसे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ था। इस एग्जीबिशन में सफलता मिलने के बाद भारत के लगभग सभी मेट्रो सिटीज में इस तरह के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। हमने मुंबई से शुरुआत की, वहां से फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली से हम बैंगलोर गए, फिर हमने कलकत्ता में लॉन्च की, फिर हमने अहमदाबाद की। अब ये तकरीबन 5 जगह पे ये पूरी इंडिया में होती है। इस बार एग्जीबिशन का आयोजन हुआ बैंगलोर के सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर, बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। 9 से 11 अक्टूबर 2015 तक चले इस एग्जीबिशन में लोगों को कई सारे नए प्रोडक्ट्स को देखने का मौका मिला। इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले एग्जीबिटर्स को बड़े ध्यान से चुना जाता है ताकि आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज देखने मिले। हम एक इन्विटेशन सारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, हम वो इनविटेशन भेजते हैं जिनका इंडिया में इंटरेस्ट है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो जो इंटरेस्टेड है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को, जिनकी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है, जिन जो एडवर्टाइज करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को आगे पुश करना चाहते हैं, जो इनोवेशन लगातार कर रहे हैं, वो कंपनियां अपने आप हमको बुलाती हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। बैंगलोर में हुई इस एग्जीबिशन में पहली बार हिस्सा लिया क्रेडाई के मेंबर्स ने और साथ ही इस एग्जीबिशन का उद्घाटन क्रेडाई और रियल एस्टेट जगत के नामी हस्तियों के हाथों हुआ। हमारे एग्जीबिशन के साथ क्रेडाई का भी टाई अप किया था। लगभग बेलगांव और बैंगलोर एरिना कर्नाटका से हमें लगभग 150 क्रेडाई के मेंबर्स अटेंड किए थे। बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज हमने इंट्रोड्यूस की इस बार बैंगलोर में, जैसे बैंगलोर के अंदर हमने डिजाइन वॉल लॉन्च किया, हमने एस इंटरफेस लॉन्च किया, क्रेडाई का टाइप जैसे मैंने आपको कहा हमने वो टाइप किया। तो फुटफॉल तो ऑलमोस्ट हर साल से ट्रिपल हो गए थे फुटफॉल। क्रेडाई और बाकी नामचीन हस्तियों के साथ साथ इस बार एस्टेक एग्जीबिशन के साथ जुड़े फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान, और साथ ही शाहरुख खान को इस एग्जीबिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शाहरुख खान का जुड़ना एसआरके का उनका एक सिंबल, वो एक कॉर्पोरेट्स के साथ आइडलाइज करते हैं। अगर आज उनकी आप उनकी अचीवमेंट देखें और एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है वो अपने आप में, और हम बिलीव करते हैं कि एस्टेक भी आज उस मुकाम पे है कि वो भी एस्टैब्लिश्ड
ब्रांड है एग्जीबिशंस में और लीड कर रहा है। हम चाहते थे कि एक पॉपुलैरिटी जो होती है, एक डेवलपमेंट जो होती है, एक मास अपील जो होती है, वो भी आए इस ब्रांड में। बैंगलोर में हुए इस एग्जीबिशन के पीछे एक खास मकसद है कि लोगों को इनोवेटिव आइडियाज देखने मिले। इस एग्जीबिशन के जरिए ये कोशिश की गई कि एग्जीबिटर्स और विजिटर्स के बीच एक ऐसा इंटरेक्शन हो ताकि विजिटर्स प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह समझ सके। हमने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाया है डेवलपर कम्युनिटी का, और जिस तरीके जिस जो चयन किया गया प्रोडक्ट्स का, वो एग्जीबिशन आज से अगर आप चार साल पहले देखेंगे तो कुछ 5,000 स्क्वायर मीटर हुआ करती थी, आज वो 14,000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच गई है। उसमें कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ फ्यू एग्जीबिटर्स से 400 एग्जीबिटर करना एक तरह से बहुत बड़ा जंप है फॉर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की आई थिंक बेहतरीन एग्जीबिशन में से ये एक है और लीडिंग एग्जीबिशन। इन इनोवेटिव आइडियाज को लोगों के सामने लाने के लिए आयोजन किया गया डिजाइन वॉल का। क्या है ये डिजाइन वॉल, इसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक आपने जाना क्यों आयोजन किया गया इस एग्जीबिशन का, अब हम जानेंगे क्या रहा इस एग्जीबिशन में खास। इस एग्जीबिशन के दौरान आयोजन किया गया द डिजाइन वॉल का। डिजाइन वॉल के जरिए एग्जीबिटर्स को मौका मिला अपने इनोवेटिव आइडियाज को लोगों के सामने रखने का, जिसके बाद यहां आए लोगों को कई अलग अलग डिजाइन के बारे में जानने का मौका मिला। हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वो बहुत ही मसरूफ रहते हैं और वो जब टाइम निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल से एग्जीबिशन विजिट करने का, वो देखना चाहते हैं कि क्या नया है, क्या डिफरेंट है, क्योंकि वो मिलान जाते हैं, अब विदेश जाते हैं, सब इम्पोर्टेंट प्रदर्शनियां अटेंड करते हैं और अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं। हमने उनके लिए डिजाइन वॉल इजाद किया, जिसमें हमने एग्जीबिटर्स को इंकरेज किया कि आपके पास कुछ भी नया तो आप सामने लाइए, और हम इन टारगेट ग्रुप ऑडियंस जो ट्रेड विजिटर्स हैं, जो बल्क बाइंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर सकते हैं, या जो रेलेवेंट बायर है, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको आप दिखाइए कि आपने क्या नया किया है इस साल। सो दोनों का एक तरह से बायर और सेलर की मीट हो जाती है, और उनको भी एक नए प्रोडक्ट की जानकारी कि इंडिया में क्या अवेलेबल है, इंडिजिनसली क्या अवेलेबल है, मेक इंडिया में क्या है, जो आजकल चल रहा है गवर्नमेंट का कि इंडिया में हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो भी हो जाता है, और इंटरनेशनली क्या चीजें मिलती हैं जो इंडिया में भी उसके मुकाबले में उस प्राइस में अवेलेबिलिटी में ग्रीन कंप्लायंस में मिल सकती हैं। इन आइडियाज को परखने के लिए एक खास जूरी पैनल का गठन किया गया था, जिन्होंने सबके आइडियाज को सुनकर उसमें से बेहतरीन आइडिया को पसंद किया। डिजाइन वर्ल्ड के आइडिया 2010 में आई थी। ऑब्जेक्टिव ये एक्टिविटी का यही था कि जो एग्जीबिटर्स के छोटे साइज के बूथ होते हैं, लेकिन उनके पास नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने उनको एनकरेज किया कि आप आगे आइए, आपके बूथ साइज पे कोई डिफरेंस नहीं है, भले आपने 30 मीटर का बूथ लिया हो, आप आगे आइए, हमें बताइए आपका कौन सा नया प्रोडक्ट है आपके पास। हमने अर्न्स एंड यंग के साथ टाई अप किया, हम ये प्रोडक्ट्स पूरे अर्न्स एंड यंग के थ्रू रन करते हैं, एक ज्यूरी होती है जो सिलेक्ट करते हैं कि ये साल के दैट पर्टिकुलर ईयर में ये 4 प्रोडक्ट या ये 10 प्रोडक्ट न्यू और इनोवेटिव है। तो ये इसका थीम है और ये एक्टिविटी का विजन रहा है लास्ट 4-5 साल से। डिजाइन वॉल में हिस्सा लेने के लिए इनोवेटिव और नए आइडियाज की जरूरत है। कई इनोवेटिव आइडियाज को ज्यूरी के सामने रखा गया। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग टू यू अ प्रोडक्ट कॉल्ड एनलाइटन, विच इज एन एजुकेशनल फर्नीचर प्रोडक्ट। इट्स अ कॉस्ट एंड स्पेस सेविंग प्रोडक्ट फॉर लेक्चर थिएटर्स और सेमिनार हॉल्स। मूजॉन का पेडिस्टल सिस्टम है, ये स्क्रू जैक पेडिस्टल है जो हम लोग ने एक्चुअली डिस्प्ले किया था और प्रेजेंटेशन किया था, और इंटेंशन हमारा था कि आर्किटेक्ट्स को और बिल्डर्स को ये प्रोडक्ट पेश करे जो उनके लिए टोटल सोल्यूशन बनता है। फिनोलेक्स इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ रेजिन्स। सो व्हाटएवर रेजिन वी यूज एज अ रॉ मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फिनोलेक्स इटसेल्फ। सो इन एडिशन टू द एग्री प्रेशर पाइप्स व्हिच वी हैव,
न्यू कोट कूल और रेन कोट कूल बोल के दो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए थे. नाउ दीज वाइल दे आर वाटर प्रूफिंग कोटिंग्स दे आर ऑल्सो यू नो गिव्स अ लॉट ऑफ हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज. वी हैव अ वेरी इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव होम ऑटोमेशन फॉर विलास एंड स्टाफ. वी हैव डन मोर देन 1500 होम थिएटर इंस्टॉलेशन. वी हैव अराउंड 16 स्टोर्स इन साउथ इंडिया. Our biggest store is in Belandur, where we have around 12 demo rooms starting from 30,000 to 5 CR. A very good day to all of you from the House of Colors, Color Switches. Time to prepare for an unbelievable display of sheer beauty, intricate geometric designs and rich colors. इन सारे प्रेजेंटेशंस को सुनकर जूरी ने बेस्ट इनोवेटिव आइडियाज को चुना और लोगों के सामने रखा. Today we found there are a lot of new systems with a lot of countries collaboration happen here. Today they present almost 34 products today. It's a great event for architects to go ahead and design things. You know. The idea behind the design wall is good because like I said, we don't have enough of this happening. And we don't have enough of a showcase for any of our products, so this is a great idea. A lot of emphasis were on the innovation of the products, and a lot of them were competitive. I was extremely happy that Design Wall had come to Bangalore, and you know, it's something that would definitely help the community. तो अब तक हमने देखा क्या खास रहा इस एग्जीबिशन में. ब्रेक के बाद जानेंगे एग्जीबिशन में लगे स्टॉल्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में. तक आपने देखा कैसे आयोजन किया गया इस प्रदर्शनी का. अब हम देखेंगे इस एग्जीबिशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने लिया था हिस्सा. इस एग्जीबिशन में 400 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया था, जिसको देखने के लिए काफी तादाद में लोग आए थे. इस एग्जीबिशन में फ्लोरिंग से लेकर छत तक और इंटीरियर के लिए अनोखे सजावटी चीजों के स्टॉल्स देखे गए. कंस्ट्रक्शन को रिलेटेड और इंटीरियर्स को रिलेटेड जितने मटेरियल है, जैसे टाइल हो गया, फ्लोरिंग हो गई या लाइटिंग हो गई, हर टाइप के ब्रांड्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ए लेवल से लेके बी लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स. तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्लोज टू 22 सेगमेंट्स के. बैंगलोर लगभग हमारे पास थे क्लोज टू 400 एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड फुटफॉल होंगे क्लोज टू अगर 1,00,000 लोग आए थे. एस्टेक एग्जीबिशन में एक शानदार और सपनों का घर बनाने के लिए कई सामानों को एक साथ एक छत के नीचे देखा गया, जिसमें इंजीनियर्ड मार्बल, नेचुरल मार्बल, टाइल्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, अब्रेसिव्स, सैनिटेशन टूल्स, बाथ फिटिंग्स, मॉड्यूलर किचन एक्सेसरीज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, डेकोरेटिव लाइटिंग, वेस्ट डिस्पोजल इक्विपमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, हीटिंग एंड वेंटिलेशन टूल्स, हार्डवेयर सप्लाईज, पेंट्स और कोट्स शामिल हैं. अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज है इसकी ग्रोथ की, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के बहुत स्कोप है. हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस आ रही हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रहे हैं, बहुत कोलैबोरेशंस हो रही हैं. ये तो आगे समय में बढ़ने वाला ही है और हम इसमें हर सेगमेंट में हर चीज में, जैसे एलईडी अभी परसों हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट ने 2 करोड़ एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 10 करोड़ एलईडी बल्ब्स का टारगेट है, जिससे हमारी सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है कंजम्पशन में, एनर्जी कंजम्पशन में. ये सब चीजें तो आने वाले समय में और बढ़ चढ़ के, अगर हमको इंटरनेशनल वेन्यूज मिल जाते हैं साइज वाइज जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंडिया में वो कुछ बन जाते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट से बन जाते हैं, तो एग्जीबिशन तो बहुत बढ़ेंगी, इनका साइज बहुत बढ़ेगा. एक मजबूत घर का सपना किसका नहीं होता है, और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए एस्टेक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां घर बनाने के लिए सीमेंट के कई स्टॉल्स भी देखे गए. कहते हैं एक टिकाऊ घर बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी का एक अहम हिस्सा है घर में लगने वाले पाइपिंग का, जिसको खरीदते वक्त मजबूती के साथ साथ क्वालिटी का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि आगे किसी भी तरह का कोई हादसा न हो. और ऐसे ही भरोसेमंद प्रोडक्ट्स का स्टॉल्स इस एग्जीबिशन में देखा गया. कंज्यूमर्स को हम लोग पूरी वाटरप्रूफिंग की क्षेत्र में आप बोल सकते हैं एंड टू एंड सर्विसेज देते हैं, वेदर वो रिपेयर वाटरप्रूफिंग हो या नई बिल्डिंग्स जहां बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, सारे सेगमेंट्स के लिए वाटरप्रूफिंग रिपेयर प्रोडक्ट्स की हमारे पास पूरी रेंज है.
एग्जीबिशन में इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कई चीजें नजर आई जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा और उसके साथ ही आउटडोर गार्डनिंग के लिए भी बेहतरीन आइडियाज देखे गए। जनरल यूज ऑफ आर्ट इज यूजिंग एज अ पेंटिंग और अ म्यूरल ऑन अ वॉल, सो वी वांट टेक द यूज ऑफ द आर्ट इनटू आर्किटेक्चरल फीचर्स लाइक एंट्रेंस डोर, म्यूरल्स और रेलिंग्स और गेट्स। सो वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन दैट वी हैव डेवलप्ड इन द लास्ट 26 इयर्स। घर में सजाने के लिए रंग बिरंगे खूबसूरत डिजाइन वाले फर्नीचर के सामानों के स्टॉल्स भी इस एग्जीबिशन में नजर आए जो विजिटर्स को काफी पसंद आए। पिछले 6 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। वी आर दी लार्जेस्ट टिम्बर इंजीनियरिंग कंपनी और हम लोग लकड़े का आउटडोर यूज में हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, जैसे विंडोज हो गए, फर्नीचर हो गया, डेकिंग हो गया, क्लैडिंग हो गया, सो ऑल काइंड ऑफ आउटडोर यूज जिसमें लकड़े की इस्तेमाल हो सकता है हम उसमें स्पेशलाइज करते हैं। एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए लाइटिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, जिसे खरीदते वक्त प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांच परख कर लिया जाता है और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स एस्टेक प्रदर्शनी में देखे गए। आरआर काबेल इज अ हाईली क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी। जैसे हम आज भले ही आज हम एक वायर जैसी प्रोडक्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी बेस्ट टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करते हैं। आज जैसे हमारी जो प्रोडक्ट्स है दे आर कम्प्लीटली, एक प्रोडक्ट जो है फायर एक्स है जिसमें ऑलमोस्ट जीरो स्मोक प्रोडक्ट है विच इज एक्सट्रीमली सेफ, जो शॉर्ट सर्किट के कारण 95% फायर होते हैं तो उसमें पहली बार तो ये फायर उसमें बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सेकेंडली जो स्मोक है इट इज ओनली 4%, तो जो 90% ऑफ द पीपल्स और एक्सीडेंट्स या डेथ्स होती है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट फायर वो स्मोक के कारण होती है और उसके सफोकेशन के कारण होती है, तो इसमें ये नहीं होगा। वी स्टार्टेड DNI अराउंड 7 years बैक, सो वी वर अर्लियर मोर इन टू बजेटरी होम थिएटर्स वेर वी यूज्ड टू डू 1 lakh कंप्लीट सॉल्यूशन, इवन नाउ वी आर कंटिन्यूइंग, बट टुडे वी हैव अ वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वेर दिस ग्रैंड यूटोपिया व्हाट यू कैन सी इज अ 2.5 CR स्पीकर एट अवर डेमो सेंटर। वी आर ऑल्सो इन टू होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन वेर वी इंटरफेस लाइटिंग एंड AV टुगेदर, सो वन प्रेस ऑफ अ बटन दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ गेट to a sprinkler system, to a lighting, to a curtain, everything. So we are a single point solution. The initiative taken by you, that AC, is of course, I feel it is very good and some more innovations you are making year by year. Permora basically it's a conglomerate which has been industry for 20 years hum log, aur hum log ka success ratio has been the innovation. तो हम लोग का बेसलाइन पोर्टफोलियो हैज बीन डेवलप्ड ऑन इनोवेशन। वर्मोरा का जो इंडस्ट्री में खड़ा है वो इनोवेशन की वजह से है और हम लोग का 2008 से लेके या फिर 1994 एवरी प्रोडक्ट हम लोग जो मार्केट में लेके आए वो अलग मार्केट इंडस्ट्री में जो 30 साल 40 साल से मार्केट में प्लेयर्स थे उनसे हटके क्या प्रोडक्ट मार्केट में लिया गया, तो हम लोग का मेन फोकस है इनोवेशन, हाउ टू विन द मार्केट थ्रू इनोवेशन। सो इवन टूडे इन एजटेक और दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग 16 mm थिकनेस फुल बॉडी टाइल्स विच कुड बी यूज फॉर द एक्सटीरियर टाइल्स, जो बाहर गार्डन्स है उसका मल्टीपल एप्लीकेशन है, एक्सटीरियर में इंटीरियर में आप यूज कर सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट टू रिप्लेस स्टोन्स विच इज, क्योंकि इसके अंदर स्टोन्स के अंदर लिमिटेशन ज्यादा है डिजाइन का, और वर्मोरा विद 16 mm टेक्नोलॉजी विद डिजिटल एंड अदर इफेक्ट्स मल्टीपल डिजिटल से आप कोई भी प्रिंट इफेक्ट कलर्स सब कुछ कोई लिमिटेशन नहीं है। अदर इनोवेशन दैट वर्मोरा इज फोकसिंग ऑन इज 800x1200 mm टाइल का है, अलग अलग फिनिश 6 अलग फिनिश में आता है और एप्लीकेशन इज द मेन पर्पज फॉर वर्मोरा टू ब्रिंग इन दिस टेक्नोलॉजी इन टू द मार्केट इज रेप्लीकेशन ऑफ द रियल मार्बल्स एंड द स्टोन। हमने नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑसम स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन, जैसे कि नाम बोल रहा है स्मार्ट इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन को थोड़ा स्मार्ट बना दिया है, जैसे हमने ऑटोमेशन और ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट वायरलेस मोबाइल चार्जर है कि आप अपना फोन इधर रख दो आपका फोन चार्जिंग चालू हो जाएगा, आपके स्विचेस को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, दुनिया में किधर भी बैठे हो आप अपने घर का कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ों को हमने वो इंडिया में पहली बार कल लॉन्च किया है एट एस्टेक बैंगलोर। हमने नया लॉन्च किया है क्लाइडो, एक रेंज है, फर्स्ट इंडिया में पहली कंपनी है जिसके कलर स्विचेज हैं, कलर स्विचेज एक्सेसरीज हैं। कहते हैं घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने में किचन का अहम रोल होता है, इसीलिए एस्टेक ने अपने इस एग्जीबिशन में किचन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों को एक नए तरीके से विजिटर्स के आगे रखा जो काफी लोगों को पसंद आया।
घर को शानदार और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रहे एसटेक एग्जीबिशन का एक ही मकसद है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक ही छत के नीचे घर बनाने के लिए सभी सामानों को मुहैया कराना, और उनकी ये कोशिश साल दर साल यूं ही चलती रहेगी।